तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। न्यूनतम मजदूरी को लेकर श्रमिकों से चर्चा हुई, आखिर श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, युवाओं का भविष्य खराब करती है आउटसोर्स संविदा और दैनिक वेतनभोगी भर्तियां, ऐसी भर्तियां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इतना ही नहीं, इस वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि सहारा रिफंड को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सोचे थे बुढ़ापा में अपना घर हो जाएगा, आराम से रहेंगे, अब तो सिर्फ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा कई सारे लोगों का कहना है, सहारा जमाकर्ताओं का कहना है। सहारा जमाकर्ता अब तो परेशान हो चुके हैं। सहारा जमाकर्ता इस कदर परेशान है कि उनको अपने पैसे के लिए ही ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ मिलती रहे। सहारा इंडिया में लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा रखी थी। सबकी सोच यही थी, चलो कुछ ब्याज मिल जाएगा जिससे आगे का जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन अब ब्याज छोड़िए उनकी जमा पूंजी भी मिलना मुश्किल हो रहा है। समस्तीपुर जिले में सैकड़ों परिवारों ने सहारा रिफंड में बड़ी उम्मीद के साथ अपने पैसे जमा किए थे, या सोचकर कि उनका धन दोगुना या तीन गुना हो जाएगा, लेकिन अब वे ऑफिस के चक्कर काटकर खाली हाथ लौट रहे हैं। इनमें से एक हैं उर्मिला देवी, जो धमाउन गांव की निवासी हैं। उर्मिला ने 1.5 लाख रुपये सहारा इंडिया में जमा किए थे, या सोचकर कि इस पैसे सिवाय एक अच्छा घर बनाएंगी और वृद्धावस्था में उनका इस्तेमाल कर सकेंगी, लेकिन आज उन्हें अपने ही पैसों के लिए आंसू बहाने पड़ रहे हैं। हर बार जब वो ऑफिस जाती हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि जब आदेश आएगा तब आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। स्थिति उनके लिए अत्यंत निराशाजनक है और उनकी आँखों में बस उम्मीद ही बची है, अब दर्द में ये उम्मीद बदल चुकी है। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं किस तरीके से युवा अब आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी ठेका कर्मचारी और संविदाकर्मी जैसे भर्तियों से परेशान हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में आउटसोर्स पर होने वाली भर्तियां ठीक नहीं है। युवाओं को दिया जाने वाला रोजगार परमानेंट होना चाहिए, जबकि आउटसोर्स रोजगार का कोई परमानेंट माध्यम नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, केंद्र सरकार में आउटसोर्स पर युवाओं को भर्ती किया जाता है। सरकार नियमित तौर पर भर्तियां करने की बजाय कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से युवाओं को भर्ती करती है। युवा काम तो सरकारी विभाग में करते हैं, लेकिन सरकारी ही नहीं बल्कि कर्मचारी किसी निजी फर्म के होते हैं। ऐसे में युवा नियमित होने के लिए आस लगाए बैठे आउटसोर्स पर भर्ती हो जाते हैं। इनमें से ना तो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर पाते हैं और ना ही नियमित हो पाते हैं। वहीं से युवाओं का भविष्य भी खराब होता है। आउटसोर्स पर भर्तियों को लेकर कई सारे लोगों ने अपने आउटपुट निगेटिव दिए हैं, यानी कि ज़्यादातर युवाओं का मानना है कि आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदाकर्मी इस तरीके की भर्तियां बंद हो जानी चाहिए, इससे बेहतर प्राइवेट नौकरी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा युवाओं का कहना है। आइए वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एक और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिसको जानकर आप कहेंगे कि हाँ ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम मजदूर को लेकर श्रमिकों से चर्चा की बात अगर की जाए तो नागरिक एकता परिषद ने मजदूरों के साथ बैठक आयोजित की। इसमें राशन कार्ड, नए श्रम कार्ड और न्यूनतम मजदूरी पर चर्चा की गई। प्रेम कुमार प्रेम ने बताया, सरकार 13 योजनाएं चला रही हैं जिसमें श्रम कार्ड धारक और तमाम ऐसी योजनाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो नागरिक एकता परिषद आवाज़ उठाती रहती है। नागरिक एकता परिषद की ओर से नगर के रैली चौक में मंगलवार को मजदूरों के साथ बैठक की गई। इस दौरान राशन कार्ड, नए श्रम कार्ड बनाने और न्यूनतम मजदूरी को लेकर चर्चा की गई। प्रेम कुमार प्रेम ने बताया कि सरकार 13 की स्कीम चला रही। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है, जिसमें श्रम कार्ड धारक मजदूर का बच्चा मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। आगे बताया गया है कि आप जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ मजदूरी नहीं मिलती है तो एक नागरिक एकता परिषद आपकी आवाज़ उठाएगा। तो दोस्तों, इस मौके पर ह्यूमन राइट डिफेंडर प्रेम कुमार प्रेम, अध्यक्ष नागरिक एकता परिषद के अलावा कई लोग भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी आप तक पहुँचाया हूँ, सारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।